मैं हूं नफीसा खान, स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में। दोस्तों, नॉनस्टिक कुकवेयर अब हर भारतीय घर में ज़रूरी हो गया है, और आखिर हो भी क्यों ना, ये खाना पकाना इतना आसान और हेल्दी जो बना देता है। नॉनस्टिक सतह आपके भोजन को बर्तन से चिपकने के जोखिम को कम करती है। इसके अलावा नॉनस्टिक कुकवेयर में तैयार भोजन में तेल की मात्रा कम होती है। अगर आपके पास घर पर पहले से ही नॉनस्टिक कुकवेयर है तो आप ये बात जानते होंगे कि ये आमतौर पर रेगुलर बर्तनों की तुलना में थोड़े से महंगे होते हैं। इसीलिए ज़्यादातर औरतें ये चाहती हैं कि ये ज़्यादा वक्त तक चलें, लेकिन कुछ वक्त बाद ही इसकी कोटिंग उतरने लगती है। अब ये वाली परेशानी किस तरह दूर की जाए, तो आज इसी परेशानी का हल हम आपके लिए लेकर आए हैं, और आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स जो आपके नॉनस्टिक बर्तनों को लंबे वक्त तक चलने में मदद करते हैं। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं इन खास टिप्स के बारे में। सबसे पहले तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि भले ही आपके पास एक नॉनस्टिक पैन है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि इस पर ज़रा सा तेल आप इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन इसे इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो ये है कि आप थोड़ा सा तेल लेकर स्पैटुला का उपयोग करके इसे बर्तन पर फैला दें, फिर एक पेपर टॉवल के इस्तेमाल से इस तेल को पोंछ लें, और इसके बाद आप आराम से खाना बनाना शुरू कर सकते हैं। बात करें अगर दूसरी टिप्स की, तो अमूमन सभी लोग ऐसा करते हैं कि जब भी किसी नए बर्तन में पहली बार कोई खाना बनाने जा रहे हैं तो उसे एक बार अच्छी तरह से धो ज़रूर लेते हैं। अगर बात करें नॉनस्टिक पैन की, तो इसे भी इस्तेमाल करने से पहले साबुन और गर्म पानी से इसे साफ करना होता है, ताकि इसमें मौजूद सारी गंदगी या जो भी थोड़ी बहुत महक है वो अच्छी तरह से साफ हो जाए। इसके लिए आप एक सॉफ्ट स्पंज का इस्तेमाल करके इसे रगड़ें और फिर साफ कर सकते हैं। इसे पूरी तरह से सूखने दें, और इसके बाद जिस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना हो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका नॉनस्टिक बर्तन लंबे वक्त तक चले, तो खाना पकाते वक्त कभी भी मेटल के चम्मच का, चाकू का इस्तेमाल ना करें। ये नुकीली चीज़ें बर्तन से नॉनस्टिक कोटिंग को हटा देती हैं, इसीलिए आप प्लास्टिक, लकड़ी या सिलिकॉन से बने खाना पकाने के चम्मच का ही इस्तेमाल करें और अपने बर्तन को लंबे वक्त तक चलाएं। अब बात करेंगे कि किस तरह के फूड को इन नॉनस्टिक बर्तन में पकाने से बचना चाहिए। जी हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपके बर्तनों के लिए और आपकी सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा नॉनस्टिक बर्तन को अगर आप ज़्यादा वक्त तक चलाना चाहते हैं, तो कभी भी जब आप इसमें खाना पकाते हैं तो मीडियम हीट का ही इस्तेमाल करें। हाई हीट पर खाना पकाने से नॉनस्टिक कोटिंग को नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ आप कभी भी अपने नॉनस्टिक कुकवेयर को तेज़ किनारे वाले बर्तनों के पास ना रखें। अगर आप उन्हें अपनी किचन में लटका रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उनके आसपास काफ़ी जगह हो, ये नॉनस्टिक कोटिंग को खरोंच से बचाएगा। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जब हम खाना बना रहे होते हैं तो खाना बनाने के बाद उस खाने को सर्विंग बाउल में पलट देते हैं और गर्म बर्तन को सीधा धोने के लिए रख देते हैं, या फिर उसमें पानी डाल देते हैं कि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद इसे धोएंगे, और इस तरह से आसानी से बर्तन धुल भी जाता है। लेकिन ये वाली आदत आपके नॉनस्टिक बर्तनों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आप नॉनस्टिक बर्तन में खाना बनाते हैं तो उस बर्तन को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही उसमें पानी डालें या फिर उसे धोएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते और आपका नॉनस्टिक पैन गर्म होता है तो तापमान में आए भारी बदलाव की वजह से नॉनस्टिक कोटिंग को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस चीज़ का भी आप बेहद ख्याल रखें। अब बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने नॉनस्टिक पैन को, नॉनस्टिक कुकवेयर को साफ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप हमेशा सॉफ्ट स्पंज का ही इस्तेमाल करें इन बर्तनों को धोने के लिए। अगर इन बर्तनों पर कोई धब्बा रह गया है, कोई दाग रह गया है, तो इसे साफ करने के लिए बेकिंग सोडा और पानी के मिश्रण का आप इस्तेमाल करें, और इसके अलावा आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल में डूबे हुए कागज़ के साथ भी इसे साफ कर सकते हैं। इस बात का भी आप खास ध्यान दें कि आप
कभी भी अपने फूड्स को ऐसे कुकवेयर में स्टोर ना करें, क्योंकि नॉनस्टिक बर्तन में अपने फूड को रखने से वो मेटल के स्वाद को अवशोषित करता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखें। इसके अलावा अगर आप नॉनस्टिक कुकवेयर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपको अपने लिए कौन सा नॉनस्टिक बर्तन खरीदना है, तो आप हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आपको नॉनस्टिक कुकवेयर लेना है तो वो हमेशा PTFE कोटिंग वाला नॉनस्टिक कुकवेयर ही हो। इसे टेफ्लॉन के रूप में भी जाना जाता है। ये किसी भी अन्य कोटिंग की तुलना में लंबे वक्त तक सही रहता है और हेल्दी भी होता है। तो हमें उम्मीद है कि अब से आप नॉनस्टिक कुकवेयर को इस्तेमाल करते हुए इन सभी बातों का ख्याल रखेंगे और अपने बर्तन को लंबे वक्त तक चलाएंगे। और इसके अलावा हमने आपको ये भी बता दिया कि आप जब नॉनस्टिक कुकवेयर लें तो आप किस तरह कर लें ताकि वो लंबे वक्त तक चल सके। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको पसंद आई होंगी, और अगर ये बातें, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को, ताकि इस तरह की खास जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर बने रहिए जीवन कोश के साथ, और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त।